बेटियां अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती, वे एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने की ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। फिर चाहे वो खेल हो, शिक्षा या अन्य क्षेत्र हो, उसमें अपना लोहा मनवाती हैं। एक ऐसा ही बुलंद हौसला भिवानी की बेटी कुमुद शांडिल्या में भी है, जिसे NIT की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही सॉफ्टवेयर कंपनी का 51 लाख रुपए का वार्षिक ऑफर मिला है। कुमुद अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। शहर की ढाणी रायसिंह निवासी कुमुद शांडिल्या को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ने 51 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज ऑफर किया है। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक रहे हैं। वे वर्तमान में कुरुक्षेत्र के सरकारी विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा ने बताया कि बचपन से ही विलक्षण प्रतिभाशाली कुमुद प्री नर्सरी से 9वीं कक्षा तक हमेशा प्रथम रही। 2016 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं के परीक्षा परिणाम में पूरे प्रदेश के 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों की सूची का नाम दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि 12वीं में 2018 में मेडिकल व गणित विषय में पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल करके जिले का मान बढ़ाया। तो मैं अपने भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को और मेरे देश के वासियों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और ये बेटी शुरू से ही बहुत विलक्षण रही है और प्री नर्सरी से ही इस बेटी ने अपनी प्रतिभा को जो है दिखाना शुरू कर दिया था और तब से हमें इस बेटी के ऊपर मान है। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि बेटियां बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं एक अध्यापक हूं, मैं मेरे विद्यालय में भी बहुत सी बेटियां मेरे पास पढ़ती हैं, मैं उनको देखता हूं, उनके टैलेंट को देखता हूं, तो इनके अंदर बहुत सिंसियरिटी होती है, बहुत ये बड़ी मेहनती भी होती हैं और एक जगह टिक कर बैठ कर ये 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक काम भी कर सकती हैं, पढ़ाई भी कर सकती हैं। और परमात्मा ने इनके अंदर जो ममत्व दिया है और भगवान ने, ईश्वर ने इनके अंदर जो स्टेबिलिटी दी है, स्थिरता दी है, वो मुझे लड़कों में कम नज़र आती है। तो वही एक बहुत बड़ा कारण आज के दिन ये हो गया कि बेटियाँ बेटों से आगे बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कुमुद को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेज मिरांडा हाउस में IIT रुड़की तथा MBBS में भी दाखिला मिल गया था। कुमुद की दादी और माता ने बताया कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटियां दो घरों का मान बढ़ाती हैं। उनकी माता ने कहा कि शुरू से ही इसकी रुचि पढ़ाई में रही है, जिसके लिए हमने हर चीज उपलब्ध करवाई है ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। कुमुद मेरी बेटी है और ये शुरू से ही मतलब बचपन से इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो हमने इसको कभी काम की तरफ लगाया ही नहीं। और सुबह 2:30 बजे उठ के पढ़ रही है, 4 बजे उठ के पढ़ रही है, इसके कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना मतलब इसका शुरू से रहा है। तो अब ये अपने मुकाम पर पहुंच गई है, तो भगवान इसको और उन्नति प्रदान करे। दादी ने कहा कि ऐसे ही बेटियां प्रगति के पथ पर चलते हुए परिवार, प्रदेश व देश का नाम रोशन करती रहें। साथ ही उन्होंने दूसरे पेरेंट्स को संदेश देते हुए कहा कि बेटियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं ताकि बेटी उन्नति कर देश का नाम रोशन कर सके। तो यही बच्चों से यही इच्छा करते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति के पथ पर अग्रसर हों और ये देश का और अपने घर का और अपने परिवार का सबका नाम रोशन करें। हमने बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं समझा, बल्कि हम लड़कियों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। और लोगों को हम यही कहेंगे, अगर बेटा बेटी में कोई अंतर ना समझो, ये जो बेटी हो, बेटे तो अपने अपने घर के होते हैं और जो जो बेटियां होती हैं ये तो दोनों कुल कर मतलब कि वो करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए होती हैं और इनको कभी इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रतिभाशाली कुमुद ने NIT कुरुक्षेत्र में BTech करने का निर्णय लिया। NIT में हर सेमेस्टर में बेस्ट स्कोर करके अपनी डिग्री पूरी होने के एक वर्ष पहले ही माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद को प्राप्त कर लिया। भविष्य में कुमुद UPSC के माध्यम से प्रतिष्ठित IAS का पद प्राप्त कर देश और समाज की सेवा करने का अपना सपना सच करना चाहती हैं। मेरा नाम कुमुद है, मैं NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड मुझे माइक्रोसॉफ्ट से 2023 के लिए फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफर मिला है एट 51 LPA एंड इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया।